जी अस्सलाम वालेकुम इजलाल, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम जी, परफेक्ट, आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। एक्यू टीवी पे हम आपको वेलकम कहते हैं, और आपको कैसा फील हो रहा है एक्यू टीवी पे आके? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं अपने ही घर में बैठा हुआ हूँ, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। एंड आई एम रियली लाइक यू नो ग्लैड टू सी सेटअप। माशाल्लाह एक्यू टीवी लास्ट टाइम जो मैंने विजिट किया था उससे कंपेयर करें तो बड़ा माशाल्लाह ग्रो कर गया है एक्यू टीवी, तो विच इज़ वेरी पॉजिटिव। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। तो इतना अर्सा किधर गायब रहे हैं? आजकल कैमरे में टीवी पे नहीं आ रहे, किधर गायब होते हैं? टीवी पे इसका जो सबसे बड़ा रीज़न था, अब नहीं आता। मैं आई लेफ्ट पाकिस्तान इन 99 और 2017 में मैं वापस आया हूँ, यूके चला गया था, और आता जाता रहा हूँ, लेकिन मेनली लाइक यू नो माई लाइवलीहुड माई लिविंग वॉज इन इंग्लैंड, तो बेसिकली इसलिए मैं नहीं आउट ऑफ स्क्रीन हो गया। मुझे ये बताएं कि लोग आपको एनक वाला जिन आपका एक ड्रामा बड़ा मशहूर हुआ था जिसमें आपका नाम इमरान था, रियल लाइफ में लोग आपको अभी भी इमरान के नाम से याद रखते हैं या आपका जो असली नाम है उससे याद, कोई उसकी भी शनाख्त बनाई है आपने? सरप्राइजिंगली अभी भी लोग पहचान लेते हैं, हालांकि आई हैव चेंज इन शेप साइज और हर चीज़ में मैं चेंज हो गया हूँ, लेकिन सरप्राइजिंगली अभी भी लोग पहचानते हैं। और इमरान जो है वो एक कह लें कि मेरे लाइफ के साथ साथ आई थिंक टिल आई डाई वो एक जो टैग लग चुका है इमरान का, वो मेरे साथ रहेगा। और इनिशियली ऐसा होता था एट द टाइम ऑफ एनक वाला जिन और उसके कुछ अरसे तक भी ऐसा रहा है कि कोई मैं सड़क पे जा रहा हूँ और किसी ने किसी भी इमरान को बुलाया तो मैंने मुड़ के देखना ज़रूर है, बिकॉज वो इतना नाम 3 साल चला है ड्रामा, तो वो नाम इतना पक्का हो गया हुआ था कि मुझे एक टाइम पे लगता था कि मेरा नाम इमरान ही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा अपना असली नाम है जलाल बुखारी, इट्स वेरी मच अलाइव, और लोग मुझे जलाल बुखारी के नाम से भी जानते हैं, लेकिन इमरान ऑब्वियसली एक क्या कहना चाहिए, क्लेम टू फेम बन चुका हुआ है। सही है। तो मुझे ये बताएं कि आप माशाल्लाह आपके फादर आसिम बुखारी, आप एक बड़े बाप के बड़े बेटे हैं और आपने अपने मीडिया का बचपन से ही आगाज किया था, तो उनके जेरे साया रह के कैसा आपने क्या क्या सीखा उनसे? अच्छा, अगर मैं अब सच बोलूँगा तो मुझे मार पड़ जाएगी। वो ये है कि उन्होंने हमेशा मुखालफत ही की है, ही वॉज़ नेवर इन फेवर ऑफ अस कमिंग इन टू दिस फील्ड, ऑल्दो कि वो खुद भी इसी फील्ड से रहे हैं, इट्स बीन ओवर 50 ईयर्स कि वो अभी भी इस फील्ड में हैं, लेकिन उन्होंने कभी इनक्रेज नहीं किया था कि हम इस फील्ड में आएँ, स्पेशली एज चिल्ड्रन मैं और मेरी छोटी सिस्टर थी, तो वो यही था कि आप पहले पढ़ाई कम्प्लीट करें उसके बाद आप करें। मैंने अगर एक्टिंग की बात करते हैं तो आई स्टार्टेड माई करियर इन 88, आई वॉज ओनली 7 एट दैट टाइम, लेकिन मैंने काफ़ी काम किया है, लेकिन एनक वाला जिन जो था वो इट वॉज समथिंग विच वॉज आउट ऑफ द ऑर्डनरी, और उसने जो है वो एक ब्लॉकबस्टर ड्रामा था अपने टाइम का। अक्सर लोग उसको हैरी पॉटर से भी कंपेयर करते हैं कि पाकिस्तान का वो हैरी पॉटर सीरीज़ थी, तो वो उसमें आई थिंक कि देर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि डेफिनेटली इट वॉज एज बिग एज हैरी पॉटर। अभी भी कोई बचपन में, चूंकि आप छोटे थे और छोटी उम्र में इतना फेम मिल जाना कि जहाँ पे भी आप जाएं वहाँ पे आपको सब बच्चे जानते हैं, पेरेंट्स जानते हैं, बड़े लोग जानते हैं, वो आपको एकदम से शोहरत मिलना, वो कैसा था आपके लिए? वो एज सच इतना मैं कहूँगा कि शॉकिंग नहीं था और सरप्राइजिंग भी नहीं था, क्योंकि अब्बू को बचपन से देखते आ रहे थे और उनको मतलब उनकी फ़ैन फॉलोइंग जो है ऑब्वियसली इट्स मच बिगर देन आवर्स, लेकिन यह है कि उसको हम एक बचपन से देखते रहते थे और लोग इस तरह से, और वो माशाल्लाह ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, आप भी जानते हैं, तो वो बड़े अच्छे से ही, और कभी वो चीज़ उन्होंने जो फेम है उन्होंने उसको सर पे नहीं चढ़ाया, उसको बड़े हम्बली उसको ऑन किया, और लोगों के जो लोग प्यार देते हैं उनको उन्होंने आगे से रिटर्न में प्यार ही दिया, तो वो एक चीज़ थी वो बचपन से देखते आ रहे थे, तो वो वैसा ही रहा है, इट नेवर गॉट ऑन टू अस के मैं कहूँ कि जी मैं बड़ा कोई बिग शॉट हो गया हूँ, लेकिन हाँ कभी कभी एज अ चाइल्ड आपके माइंड में ज़रूर आता है यार मैं तो बड़ा बड़ा फेमस हूँ। उसके अगर एक वाक्या इसको मैं अगर कोट करूँ फेम को लेके, तो मुझे सबसे पहला एहसास अपने फेमस होने का उस टाइम पे हुआ था कि एनक वाले जिन के बाद एक सीरियल हमारी शुरू हुई थी खुफिया जजीरा, उसकी शूटिंग के लिए हम जाते थे कलर कहार,
एक दिन हम शूट पे गए, टीम जो थी वो जल्दी फ्री हो गई, उन्होंने कहा कि जी वाई नॉट गो टू उधर हमारी सोन्स केसर में एक बेस, वो पीटीवी का जो है वो बूस्टर लगा हुआ है, वहाँ पे एयर बेस भी है जहाँ पे आई थिंक के पीएफ के रडार सिस्टम ऑपरेट होते हैं और सारा वहाँ पे सिस्टम है। तो द पीटीवी प्रोड्यूसर वाज देयर, जो उस ड्रामे के प्रोड्यूसर थे, कैमरा स्टाफ और अदर क्रू मेम्बर वॉज देयर। तो वो जब उधर बूस्टर तक जाने लगे, ऊपर वो पहाड़ी के ऊपर था, तो आर्मी ने नीचे ऑब्वियसली चेक पोस्ट लगाई हुई थी, तो उन्होंने कहा कि जी आप जा नहीं सकते बिकॉज हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी एरिया है और ये है वो है, इस तरह से। वो प्रोड्यूसर ने अपना कार्ड दिखाया, सारे पीटीवी के एम्प्लॉयज़ ने अपने कार्ड दिखाए, उन्होंने कहा नहीं जी हम नहीं मानते कि आप पीटीवी से हैं। अच्छा, मैं पीछे बैठा हुआ था, आई वॉज ओनली ए चाइल्ड, मैं उतरा, मैं जब बाहर आया तो वो फौजियों ने मुझे देखा, कहते ये तो वो है जो इमरान एनक वाले जिन में आता है, तो ये टीवी से ही आए हैं, जाने दो इनको, जाने दो। मैंने कहा यार देख लो कि ये टीवी के इतने बड़े बड़े एम्प्लॉयज़ हैं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं प्ले के और कैमरा स्टाफ है और सारे लोग हैं, उनको उन्होंने जो है वो एक्नॉलेज नहीं किया। तो मुझे देखे हुए फर्स्ट टाइम मुझे वो हुआ कि भाई आई एम फेमस। चले मुझे एक बात बताएं कि बचपन में जब ऐनक वाला जिन आपने किया तो जाहिर बात है फैंस भी बन जाते हैं, कोई ऐसी लड़की आपके इश्क में गिरफ्तार हो गई हो कि आपके पीछे लंदन पहुंच गई है और अभी भी आपकी जान नहीं छोड़ती? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऑन द रिकॉर्ड ऐसा कुछ कहूँगा भी नहीं, वैसे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑल दो डेफिनेटली फैंस बहुत रहे हैं, मुझे कॉल्स भी काफ़ी आती थी उस टाइम पे। अब मैं वैसे कहूँगा कि हम बहुत अनलक्की थे उस टाइम पे, ना कोई व्हाट्सएप होता था ना कोई फेसबुक होता था, वो घर का ही फ़ोन होता था बस, उस पर अक्सर कॉल्स आती थी, वो मेरी अम्मी उठा के डांट देती होती थी और उसके बाद कोई कॉल्स नहीं आती थी। ठीक है, मतलब आप किसी लड़की की बात कर, मैं लड़कियों की बात ही कर रहा हूँ जी, आती नहीं है कॉल्स, लेकिन ऑब्वियसली कि मैं बड़ा वो क्या कहते हैं फिल्टर हो के मेरे तक कोई कॉल पहुँचती थी तो पहुँचती थी, अदरवाइज वो नहीं पहुँचती। ऐनक वाले जिनका कोई एक आपका ऐसा वाकया जो अभी तक आपको याद हो? ऐनक वाला जिन जो है वो 155 वाकये ही हैं, 155 उसकी किस्तें थी, वो हर किस्त में हर एपिसोड में कोई ना कोई वाकया था। अभी इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू रिकॉल के एक आधा वाकया जो है मैं आपको कहूँ कि वो स्टैंड आउट करेगा दूसरे से, लेकिन मतलब वो हर एक एपिसोड में, लेकिन उसका जो सबसे पहला जो डे था शूट का, वो मैं मतलब वो मुझे कभी भी नहीं भूलता कि मैं और मेरी छोटी सिस्टर मोहतर हम जब शूट के लिए गए, तो एज सून एज वी एंटर्ड द टीवी स्टेशन, तो वो एक तो पहले एपिसोड थी उसमें उन्होंने ना बहुत सारे जिन दिखाए हुए थे पहले एपिसोड में बड़ा, क्योंकि वो उन्होंने कोकाफ की कहानी से स्टार्ट किया था कि वहाँ से निकलना है। तो वो जब टीवी स्टेशन में एंटर हुए तो मेकअप रूम के बाहर कोई दो दर्जन के करीब जिन मेकअप करके खड़े हुए थे, तो लिटरली वो जिस तरह से डरी थी बेचारी उन जिनों को देख के, तो वो एक वाकई वो था। और उसके बाद लेकिन यह कि इतना फ्रेंडली काम हो गया, उसके बाद वो घर वाला ही काम हो गया, तो वो एक जो था वो ये एक वाकया जो है उसका बड़ा फेमस रहा है। उसके अलावा जो एक वाकया मुझे पर्सनली लाइफ का जो मेरा सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है, एक मैंने प्ले किया था जंजालपुरा, उसमें जो उसकी फर्स्ट एपिसोड थी जंजालपुरा की, और बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है कि वो उस सीन के अंदर वो एक महल्ले का सीक्वेंस था, बंदर का तमाशा हो रहा है, मिठाई वाला जो हलवाई है वो मिठाई लगा रहा है, नाई जो है वो हजाम जो है वो अपना काम कर रहा है, तो बड़ा एक एटमॉस्फेयर था। कोई 45 से 50 के करीब कैरेक्टर्स थे उस सीन में। अब मेरी जो मदर बनी हुई थी अल्लाह बख्शे महविश आर्टिस्ट थी थिएटर की भी, तो उन्होंने मुझे कहा बेटा मैं तो मैंने उन्होंने मुझे थप्पड़ मारे थे कि जी तुझे मैं घर से दही लेने भेजा है तो तू इधर बंदर का तमाशा देख रहा है, कहती है मैं ओरिजिनल मार लूँ। मैं उस टाइम पे जी मेथड एक्टर टाइप वो फीलिंग आई, मैंने कहा हाँ जी मारे कोई बात नहीं। अच्छा, अब वो बिकॉज उस सीन में इतने ज़्यादा लोग थे, वो किसी ना किसी एक बंदे की कोई ना कोई गलती होती थी, और मुझे उस सीन में 3 थप्पड़ पड़ने थे, और उस सीन की जो थी वो 15 रीटेक्स हुई, तो इफ़ेक्टिवली मुझे 45 थप्पड़ पड़े। और बाय द टाइम जब वो सीन ओके हुआ, डन हुआ, मेरी जो ये चीज़ थी ना ये इधर आ गई हुई थी, आई वॉज ऑल रेड, बुखार हो गया मुझे कोई बड़ा कमाल किस्म का। तो वो एक बड़ा मेमोरेबल वाकया है मेरी मतलब लाइफ का, टीवी की लाइफ का अगर मैं कहूँ तो इट्स वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट। आगे कोई प्लान है मीडिया में आने का? बस खैर बात कह दी है, मीडिया में अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डेफिनेटली आने का है। थिएटर के साथ मेरा अभी भी लगाव है, मैं थिएटर करता रहा हूँ,
सिंस 96 मैं अजोका थिएटर का पार्ट हूँ। अजोका थिएटर पाकिस्तान अच्छा मेथड थिएटर, क्या कहते हैं, मैसेज वाला थिएटर करता है। उनके साथ मैं अभी भी करता रहता हूँ। उनके रीसेंट प्रोजेक्ट में मैंने उनको एज असिस्टेंट डायरेक्टर भी काम किया, एज एन एक्टर भी काम किया, तो उनके प्रोजेक्ट्स में मैं करता रहता हूँ। मेन स्ट्रीम में अगर आप बात करें तो यस, अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आई वुड लव टू डू इट। तो अगर कोई आपको अप्रोच करना चाहे क्यू टीवी के थ्रू, कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, आई एम अवेलेबल। और पहले असल में ये होता था कि मैं पाकिस्तान आता था तो मैं सिर्फ हॉलीडेज़ के लिए आता था और दो हफ्ते रहे, एक महीना रहे, वापस चले गए। उस टाइम पे मुझे ऑफर्स हुई भी थी, लेकिन उसके बाद ऑब्वियसली कि मेरे पास टाइम का इशू होता था, मैं मैनेज नहीं कर पा रहा था। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन 2 ईयर्स मैं पाकिस्तान में हूँ एंड आई हैव डिसाइडेड टू स्टे इन पाकिस्तान फॉर इंडेफिनिट पीरियड। तो डेफिनेटली अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो आई वुड लाइक टू टेक इट। एक्यू टीवी के लिए कोई मैसेज देना चाहें? एक्यू टीवी जो है जी, एक्यू टीवी इज़ डूइंग वेरी वेल, डू वंडर्स। और आप जो अपना जो मेन आपका एजेंडा है, मेन आपका जो फोकस है, उसको भी उसके साथ स्टिक रहें। और मैं भी समटाइम्स आपसे जो है वो टिप्स भी लेता रहूँगा, आपसे हेल्प भी लेता रहूँगा। कीप शाइनिंग, कीप रॉकिंग, एंड फॉर एवरीवन एल्स सब्सक्राइब टू एक्यू टीवी। ये भी बता दें कि मैं छुप छुप के एक्यू टीवी की वीडियोस देखता रहता हूँ। हाँ, मैंने अभी बताया है कि मैं छुप छुप के एक्यू टीवी की जो है वो वीडियोस डेफिनेटली देखता रहता हूँ। मैं फॉलो करता हूँ इनको, जो है मुसव्विर भाई हैं वो भी, और क्या कहते हैं अली की भी मैं देखता रहता हूँ वीडियोज़। तो वो छुप छुप के ही, वही वाली बात है कि मैं छुप छुप के देखता हूँ। लेकिन नहीं, जब आप लाइव फेसबुक पे लाइव आते थे तब तो मैं रेगुलर देखता था, तब तो बल्कि मैंने एक दो दफ़ा कॉलें भी की हैं। हाँ चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।